दिल्ली एनसीआर रे बारंबार भूकंप झटका 40 दिन मध्यरे 8 थर थरिलाणी राष्ट्रीय राजधानी सबुठ अधिक तीव्रता रिक्टर स्केल रे 4.6 रेकर्ड गत 40 दिन भितरे हरियाणा रोहतक गाजियाबाद सेंटर दिल्ली पश्चिम दिल्ली रे 8 भूकंपर झटका अनुभव होइछे तबे पर्यंत 5.0 रु अधिक तीव्रता रेकर्ड होइनाहि तेणु दिल्ली प्रति अधिक विपद नाही तबे भूकंप केतेबेले केउठि हेबो ताहा आकलन करबा असंभव किंतु भूकंपर कारण अनुशीलना करि हेउछि माटी तळे दिल्ली रे अधिक फिलेर रहिछि हिमालय बेल्ट निकटरे मध्य दिल्ली सहर आसुछि जमुना नदी रहिछि एहिपरि अनेक कारण रहितबारु दिल्ली रे बारंबार भूकंप हेउछि बोली सैटेलाइट मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट मुख्य जेएल गौतम कहिछन्ते दिल्ली के आसपास जो इवेंट्स आ रही हैं जो इनको माइनर इवेंट्स या स्लाइट इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स हैं तो वो किसका लॉन्ग आ रही है जो फॉल्ट लाइंस हैं दिल्ली के अराउंड अभी भी ये इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट थोड़ी थोड़ी करके खिसक रही है आगे सो वो तो हो गया बड़ा एक जॉइंट जो पूरा दो प्लेट बड़ी प्लेटों का लेकिन बड़ी प्लेट के अंदर भी कुछ क्रैक्स होते हैं कुछ लीनियामेंट्स होते हैं कुछ फॉल्ट लाइंस जिनको हम बोल रहे हैं वो दरारें होती भ्रंश बोलते हैं भ्रंश होती हैं हिंदी में भ्रंश बोलते हैं तो उनके अलोंग कुछ एडजस्टमेंट होते रहते हैं बीच बीच में तो उनके कारण भी अर्थक्वेक आए भूकंप दृष्टि दिल्ली सब बड़े एक संवेदनशील अंचल भाव में विवेचना करा जाए माइक्रो सेस्मिक जोन मैपिंग रे भारत को 4 जोन में विभक्त करा जाए छे एहा जोन 2 रो 5 पर्यंत रही छे जोन 2 सर्वनिम्न संवेदनशील अंचल होइतिबा बळे जोन 5 सबुटु अधिक भूकंप हेबार संभावना दिल्ली जोन 4 रे रही छे नवा दिल्ली रो गगन विश्वाल रिपोर्ट दर्पण 14